अबे साले, मतलब YouTube में कुछ भी लगा के हेलो गाइस, हाउ आर यू? अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। एंड अभी रात के 12:30 हुए, सोचा एक वीडियो बना लूँ, नींद नहीं आ रहा था। सो आज का टॉपिक बेसिकली है आर्म्स को लेके। बहुत सारे डीएम हर किसी को मिलता है, जिसका भी आर्म्स थोड़ा बड़े हैं, कि सर आर्म्स कैसे ग्रो करें, सर आर्म्स कैसे बड़े होए। वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग पर्टिकुलरली चाहते हैं कि दूसरे पार्ट से आर्म्स थोड़ा अच्छा दिखे, और भी अच्छा दिखे, थोड़ा एट्रैक्टिव लगे, थोड़ा मस्कुलर दिखे, थोड़ा बड़ा दिखे। इसी का फायदा उठा के बहुत सारे यूट्यूबर है, वो लोग क्या करते हैं, थंबनेल लगाते हैं, कैसे इंक्रीज योर आर्म्स इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में आर्म्स का साइज बढ़ाइए, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे आर्टिकल है, बहुत सारे वीडियोस हैं, उस पर बताया जाता है कि आपका टेक्निक कैसा होना चाहिए, आप जब जब आपका आर्म्स वर्कआउट करेंगे आपका टेक्निक कैसे होना चाहिए, इसेंट्रिक कीजिए, टेम्पो चेंज कीजिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कीजिए, तो आपका आर्म्स बड़ा होगा। इस पर्टिकुलर वर्कआउट करने से या प्लान फॉलो करने से मेरा आर्म्स ग्रो हुआ है, वो अपने हिसाब से एक जनरल नॉलेज पे ठीक है, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली इसको नहीं समझोगे तो कभी भी आपका आर्म्स ग्रो नहीं करेगा। बहुत जन क्या चाहते हैं, बहुत जन बोलते हैं कि अगर आप ये डाइट फॉलो करो, ये वर्कआउट फॉलो करो, तो 2 हफ्ते में आपका आर्म्स का साइज 2 इंची बड़ा हो जाएगा। अब साले, मतलब यूट्यूब में कुछ भी लगा के पैसा कमाने वाले, थोड़ा सा भी रद्दी सा भी नॉलेज नहीं है उन लोगों का, इतने साल से इतना फॉलोअर्स है, इतना सब्सक्राइबर हैं वो लोग बोलते हैं कि 2 हफ्ते में 2 इंची, ये वर्कआउट करो, ये वर्कआउट करो, वो वर्कआउट करो, इतना बड़ा हो जाएगा। क्या है भाई? तो अभी एक पर्टिकुलर साइंटिफिक वे से हम लोग बात करेंगे। कोई भी स्टूपिड यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा कि आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग आर्म्स को अपने फुल बॉडी के हिसाब से आउटग्रो नहीं करा सकते। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब अगर आपको आर्म्स का साइज बढ़ाना है तो आपको ओवरऑल बॉडी फैट का साइज बढ़ाना है। आपने कभी भी देखा कि कोई अगर एक चार्ली चैपलिन आ गया या एक दुबला पतला सा लड़का आ गया, वो अगर चाहता है कि वो आर्नोल्ड के जैसे आर्म्स बनाएगा, वो कभी कर सकता है? नहीं। उसको पूरा ओवरऑल बॉडी फैट इंक्रीज करना है, सॉरी ओवरऑल बॉडी मास इंक्रीज करना है, तो उसके अगर पूरा इंक्रीज हो जाए तो ही वो ग्रो कर पाएगा अपने आर्म्स को। मतलब कोई भी बॉडी पार्ट हो, आर्म्स हो, लेग्स हो, काफ हो, फोरआर्म्स हो, चेस्ट हो, आपका तब भी ग्रो करेगा जब आपका ओवरऑल ग्रो करे। फॉर एग्जाम्पल के अगर अगर आपको एक एक रिसर्च पे ये हुआ था, पता नहीं कितना ये सच है कि नहीं, कि अगर आपका आर्म्स को साइज को 1 इंच बढ़ाना है तो आपका ओवरऑल जो मास है उसको कम से कम 7 to 8 या 10 LBS ग्रो करना होगा, तो ही आपका आर्म्स का साइज 1 इंच बढ़ेगा। और लोग अभी क्या करते हैं यूट्यूबर, वो बोल देते हैं कि ये वर्कआउट करो, 2 दिन में 2 इंच आर्म्स, ये आर्म्स। सारे लोग का ज्ञान कुछ नहीं है, बेफालतू का बात करते हैं यार। तो कभी भी आप अपने कोई भी बॉडी पार्ट को, इंक्लूडिंग आर्म्स, इंक्लूडिंग लेग्स, इंक्लूडिंग कोई भी बॉडी पार्ट को, अपने ओवरऑल बॉडी जो आपका शेप है, ओवरऑल बॉडी जो साइज है, उससे ज़्यादा आउटग्रो नहीं करा सकते। अगर मैं चाहूँ यही मतलब बॉडी वेट में, आई एम राइट नाउ 80 kg बॉडी पे, मेरा आर्म्स का साइज अभी 17+ है, तो मैं कभी भी इसको 22 इंच नहीं करा पाऊँगा 80 kg में। इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। अगर मुझे 22 इंच का आर्म चाहिए तो मुझे कम से कम और भी
20 से 25 केजी और भी ज़्यादा शायद 30 केजी तक अपने अंदर लीन मास गेन करना होगा, तो ही मेरा आर्म्स का साइज 22 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप कभी भी कोई भी पर्टिकुलर वर्कआउट से वो इसेंट्रिक कीजिए, टेम्पो चेंज कीजिए, कुछ भी कीजिए, थोड़ा सा आपका इफेक्टिव होगा, लेकिन उसके हिसाब से मगर मतलब आपका जो अगर आर्म्स ग्रो कर रहा है मतलब आपका पूरा ओवरऑल बॉडी मास भी ग्रो कर रहा है, इसलिए आपका आर्म्स का साइज बढ़ा है। तो कभी भी इन लोगों से थोड़ा दूर रहिए, कोई भी डाइट प्लान हो, कोई भी वर्कआउट प्लान हो कि मेरा आर्म्स ग्रो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो उसका मतलब हो गया आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपका जेनेटिकली वो पार्ट वीक है, इसलिए आपका नहीं हो रहा है। तो उसमें काम करना होगा आपको, एंड आपको ओवरऑल बढ़ाना है। बहुत सारे क्लाइंट हैं मेरे, वो बोलते हैं कि सर मेरा आर्म्स बहुत छोटा है, आपका जेनेटिक है वो आर्म्स ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि आप जब तक पूरा ओवरऑल बॉडी मास जो है उसका रेशियो नहीं बढ़ाएंगे, आपका आर्म्स भी नहीं बढ़ा होगा, कोई भी बॉडी पार्ट हो नहीं बढ़ा होगा। मैं आर्म्स के बात करूँ, आर्म्स बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं होगा। आपने कब बहुत जन करते क्या हैं, बहुत जन करते हैं जो अपना लोअर बॉडी पार्ट बॉडी जो है वो ट्रेन नहीं करते, दुबले पतले होते हैं ऐसे लेग्स अपर शरीर, तो वो लोग ट्रेन नहीं करते, वो इसलिए नहीं होता। अगर वो लोग ट्रेन करे तो ऐसा नहीं अपर बॉडी रुक जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अपर एंड लोअर दोनों ही वो ट्रेन कर रहा है अपने आप को, तो ऐसा नहीं अपर बॉडी रुक जाएगा, सिर्फ लेग्स ही ग्रो करेगा, नहीं अपर भी ग्रो करेगा। तो ये हो गया एक साइंटिफिक वे से बात करना। नेक्स्ट टाइम अब कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी बुलशिट कोचेस हो, आपको बोलेंगे ये वर्कआउट करने से इतना आर्म्स का ग्रो हो जाएगा, तो उनसे थोड़ा दूर रहिए, एंड वो सब डाइट से भी दूर रहिए, क्योंकि सब कुछ लॉजिकली होता है, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। आई डोंट बिलीव इन मैजिक, एंड मैं कभी भी बोलता नहीं मैजिक पे बिलीव करो, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक विथ साइंटिफिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, और अगर आपको ऐसे भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको वो अवेयर हो जाएगा कि अकाउंट से वीडियो पोस्ट हुआ है। थैंक यू सो मच।